कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर सियासी घमासान छिड़ गया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म के बहाने पर विपक्षी पर तीखा हमला बोला है, जो कि आज के इस वीडियो में आप लोग यहां पे आखिरी में देख पाओगे और उसके बाद आप लोग जान पाओगे कि पीएम मोदी ने इसके बारे में क्या क्या बोला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने द कश्मीर फाइल्स देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं देखा है तो आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोग जाके इजीली पूरा रिव्यू देख सकते हो और इस फिल्म के बारे में अच्छे से समझ सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को देखते हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से, और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, नहीं दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है, लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम।